दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में बुधवार को गोरखपुर यूनिवर्सिटी एससी एसटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनंत मिश्रा ने कहा कि बाबा साहब भीमराव के विचार आज भी प्रासंगिक है। इस मौके पर प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, प्रोफेसर रमेश चंद्रा, डॉक्टर धानी राम अंबेडकर सहित शिक्षक एवं छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, यूनिवर्सिटी झांसी के मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ सभागार में मौजूद तमाम विशिष्ट जनों का, मीडिया कर्मियों का, छात्रों का, अध्यापकों का और जो स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तुम्हारे अपना मूल्यवान समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईटी के उनके लिए जीवन भर काम किया, लेकिन कॉम्पिटिटिव लॉयल्टी जीवन में क्या क्या किया, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी शिक्षा हुई, कैसे वे तरह तरह के विचारों से प्रभावित हुए, कैसे उनके मन में इस भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मानसिकता पैदा हुई, उस सब बातों का कौन कौन सी पत्रिकाएँ उन्होंने बनाई, कितने उन्होंने दल बनाए, कैसे उन्होंने नवंबर 49 में ही संविधान सभा जो निर्माण समिति थी उसकी ओर से वो दस्तावेज प्रस्तुत किया जो अंततः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको हम भी गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र के रूप में मानते हैं। आप जानते हैं कि ये गणतंत्र अब कुछ देशों में भी नहीं है, जैसे ब्रिटेन में भी महारानी है, मुझे जहाँ तक याद है किसी और देश में दो देशों में है, लेकिन भारत के गणतंत्र लोकतांत्रिक देश है और इसे बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे अम्बेडकर की। मैं अम्बेडकर को, बाबा साहब को इस भाव से ज़्यादा देखता हूँ कि आज के 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने जिस नई संस्कृति, जिस नए विचार, जो समानता, सद्भावना और बंधुता पर आधारित थी, उसको अपने माध्यम से न केवल भारत में बल्कि भारत के दूर दूर देशों में फैलाया और आज दुनिया भर में अगर किन्हीं दो लोगों की बहुत ज़्यादा पूछ है तो महात्मा बुद्ध हैं, गांधी हैं और मेरी दृष्टि में चंद्र बाबा साहब भीम साहब। प्रोफेसर चंद्रशेखर, अध्यक्ष अनुसूचित जात जनजात कर्मचारी शिक्षक कल्याण परिषद, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनंत मिश्र, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, कार्यक्रम के एक मुख्य वक्ता बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति झांसी और विशिष्ट अतिथि धानी राम अम्बेडकर दिल्ली विश्वविद्यालय से चल करके आए हैं और हमारे संचालक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है
कि जो उन्होंने कार्य किया है और उनके अच्छे कार्यों को हम आगे ले जाएं उनके कारवा को, और हमारा जन जन समुदाय से यही अपील है कि उसको जो कारवा उन्होंने शुरू किया है वह रुकने न दें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।